बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर 10th केमिस्ट्री का, द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर आज जो हम पहले लेक्चर में सीखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसमें मेजर गैसेस कौन कौन सी हैं और इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं और कैसे उन लेयर्स में टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ये हवा का एक गलाफ है जो मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनता है, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेयर की पहले करते हैं हम डेफिनेशन, ठीक है, कि क्या है ये एटमॉस्फेयर। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज एन एनवेलप। ये एक इन्वेलप है, इन्वेलप टाइप, जैसे घेर लेता है इन्वेलप। कभी आपने वो नर्सरी देखी हो तो वहाँ पर एक इन्वेलप जो है वो पौधों के ऊपर ऐसे उसने उन्हें ढांपा होता है। तो ऐसे ही ये एक इन्वेलप है जिसने हमारी ज़मीन को ढांपा हुआ है। गैसों का ये एक मिक्सचर है, ठीक है, दैट सराउंड्स आवर अर्थ। ये एक एनवेलप है जो हमारी ज़मीन को घेरे हुए है। गैसों का एक मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस जो हैं वो तकरीबन 18 होती हैं। 18 गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्सअप होती हैं तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। अगर इसे देखा जाए तो एटमॉस्फेयर जो है वो 30 किलोमीटर, ये इसकी रेंज है 30 किलोमीटर, उसमें एटमॉस्फेयर जो है वो तकरीबन 99% उसका हिस्सा होता है। कि अगर 30 किलोमीटर तक आप ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर तकरीबन 99% उसमें ऑक्यूपाइड है, बाकी ऊपर है 1%, ठीक है जी। मतलब ऊपर जाते हुए इसकी जो कंसंट्रेशन है गैसेस की वो कम से कम होती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर आप 11 किलोमीटर तक देखें तो वहाँ तक ये बनता है 75%। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा का गलाफ है, मिक्सचर है, उसका क्या होता है जी, 75% उसका पहले 11 किलोमीटर में ही मौजूद होता है। बाकी जो है 25% वो ऊपर को जाते हुए, हम ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं जी, एटमॉस्फेयर ही है सारा, तकरीबन 200 किलोमीटर तक ये बनता है एटमॉस्फेयर हमारा, लेकिन पहले 30 किलोमीटर में ही 99% है, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पहले 11 में 75% हमारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मेजर गैसेस कौन सी हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो नंबर वन पे इसमें है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन हमारे पास है जी 78%, ठीक है जी, हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस मौजूद है। नंबर टू पे हमारे पास आती है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो है 21%, ठीक है जी। और नंबर थ्री पे आती है हमारे पास ऑर्गोन। ऑर्गोन जो है ये एक नोबल गैस है, तो ये वाली हमारे पास होती है जी 0.9%। और नंबर फोर पे हमारे पास होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है हमारे पास 0.03%, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट परसेंटेजेस हैं हमारे पास डिफरेंट गैसेस की जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। मेजर गैस जो है वो नाइट्रोजन है जो कि 78% है, और उसके बाद बाकी जो है वो माइनर गैसेस हैं, ऑक्सीजन 21% है। तो ये गैसेस जो हैं जी मेनली हमारी हवा में मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम गैसेस के रोल्स की कि वो क्या करते हैं, उनके रोल क्या हैं, क्या उनके किरदार हैं हमारी हवा के अंदर। नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। ऑक्सीजन आपको पता है, इंसान उससे सांस लेते हैं, ठीक है, ये जानवर उससे सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए उसे यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे लेयर्स की, एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो हैं। लेयर्स इसमें टोटल है जी 4,
उनके नेम हम लिखेंगे पहले, लेयर्स कितनी है जी, लेयर्स फोर है, लेयर्स नेम है इनके। सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ठीक है जी। और नंबर टू पे हमारे पास है स्ट्रेटोस्फियर ठीक है जी। नंबर थ्री पे है मेसोस्फियर, और नंबर फोर पे है हमारे पास थर्मोस्फियर ठीक है जी। अब ये जो है चार लेयर्स, ये जमीन से ऊपर को जाते हुए इनकी डिफरेंट रेंज है। अगर हम देखें ट्रोपोस्फियर को, तो ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। अगर आप ज़मीन से ऊपर को जा रहे हैं तो वो ट्रोपोस्फीयर ही है पहला जो है ज़मीन से ऊपर को जाते हुए, ये 0 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर बात करें तो ये 12 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और अगर मेसो की बात करते हैं तो ये 50 से 85 किलोमीटर तक है, और ये वाला हमारे पास जो थर्मो है ये 85 से ऑनवर्ड 120 तक, जहाँ तक आप जाना चाहें ठीक है वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये इनकी डिफरेंट रेंजेस के, सबसे पहला जो है वो 12 तक जाए ऊपर को तो वो है, आगे दूसरा स्टार्ट होता है 12 से 50, मेजो होता है 50 से 85, और ट्रोपोस्फीयर 85 से 120 किलोमीटर तक ये फैले हुए। अब यहाँ पर आपकी बुक में दो को डिस्कस किया हुआ है डिटेल्स के साथ, एक है हमारे पास ट्रोपोस्फीयर और दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपो को हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है जी, ट्रोपोस्फीयर ठीक है जी। अब ट्रोपोस्फीयर जो कि हमारे पास पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये 0 से 12 किलोमीटर तक है, और इसमें मेजर जो गैसेस हैं वो कौन सी हैं, वो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है जी। वो मेजर गैसेस इसमें मौजूद होती हैं, ये वो मुहैया करते हैं नाइट्रोजन पौधों को, और ऑक्सीजन जानवरों को और इंसानों को मुहैया होती है इस स्फीयर की मदद से, इसमें वो मौजूद होती हैं। अब जब सूरज की रोशनी की जो शुआएं हैं वो नीचे को आती हैं ठीक है जी, मतलब आसमान से नीचे को आती हैं, तो वो इस स्फीयर में से जब गुजरती हैं तो इस स्फीयर के अंदर मौजूद होते हैं वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की और काफ़ी सारी गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, मीथेन वगैरह आपने 8th क्लास में वो पढ़ा था। तो वहाँ पर वो जो गैसेस हैं वो मौजूद होती हैं, उनमें से जब रोशनी की शुआएँ गुजरती हैं तो ये वाली ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं वो क्या करती हैं, उसमें मौजूद इंट्रावायलेट रेडिएशन जो कि IR रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं ठीक है जी, और वापस नहीं जाने देती ठीक है। तो वो हमारे माहौल को क्या रखती हैं, गर्म रखती हैं। तो ये ट्रोपोस्फीयर क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को ठीक है जी। तो ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, किसके टेम्परेचर को जी, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसे गर्म रखता है, माहौल को गर्म रखता है। ये ट्रोपोस्फीयर का अहम किरदार है। उसके बाद जी इसके अंदर जो गैसेस हैं वो वाली ऑक्सीजन नाइट्रोजन ठीक है, वो डायरेक्टली पौधों और इंसानों और जानवरों को फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर का इसमें क्या है, कि ऊपर को जाते हुए टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है जी डिक्रीज। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप नीचे से जाते हैं ऊपर को तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाती है। कंसंट्रेशन गैसेस की क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है। अब मैं आपको कह रहा था कि ऊपर को जाते हुए जो गैसेस हैं उनकी मिकदार कम होती है, ऊपर को जा रहे हैं जी यहाँ पे मिकदार ज़्यादा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की, ऊपर को जाते हुए वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऊपर को जाते हुए वो कम हो रही है। तो सूरज की शुआएं जो नीचे आती हैं वो ऊपर को जाते हुए कम एब्जॉर्ब होती हैं, ज़्यादातर ऊपर को चली जाती हैं, तो माहौल इतना गर्म नहीं रहता, माहौल ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से ऊपर को जाते हुए टेम्परेचर क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। पहले यहाँ पे वो कहता है कि 17 डिग्री सेल्सियस अगर है तो इसके लास्ट पे वो जाके माइनस के 53 डिग्री सेल्सियस
हो जाता है, मतलब नीचे से ऊपर को क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि ऊपर को जाते हुए कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर्स एंड द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, ऊपर को जाते हुए वो कंसनट्रेशन कम हो रही है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी की जो शुआएँ हैं वो नीचे आती हैं, ऊपर जाते हुए उनको रोकने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स वो कम हो रहे हैं, वो रुकती नहीं है, वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होता जाता है, लेकिन नीचे उनकी मकदार ज़्यादा है, यहाँ पर उनकी मकदार ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की, तो वो ज़्यादातर रोशनी को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, रोके रखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा रोक लेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर जाते हुए उनकी रोकने की ताकत कम होती जाती है, तो उसे कम रोकते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर। लास्ट बात रहेगी हमारी, वो है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कि वो क्या करता है। जी, स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक हमारे पास इसकी रेंज है, मैंने यहां पे लिखा है 12 से 50 किलोमीटर। अब ये क्या करता है हमारे पास, इसके अंदर मौजूद होती है हमारे पास ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वो सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनको रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती हैं, आपको स्किन कैंसर उससे हो सकता है, और टेम्परेचर जो है वो ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए रेडिएशंस। तो यहाँ पर होती है जी ओजोन O3, इसका फॉर्मूला है, वो तकरीबन होती है हमारे पास 25 किलोमीटर पर, तकरीबन ज़मीन से ऊपर को जाएं तो 25 किलोमीटर, या आप ऐसे कहें कि 12 से 50 तक जाते हुए रास्ते में 25 किलोमीटर पर हमारे पास ओजोन लेयर आती है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। ठीक है जी, किस रेडिएशन से बचाती है जी, यूवी रेडिएशंस। ये वाली यूवी रेडिएशंस हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो कि स्किन कैंसर वगैरह करती हैं। अब जब यूवी रेडिएशंस इसमें से गुजरती हैं, ठीक है जी, यूवी रेडिएशंस जब इसमें से गुजरती हैं, ऊपर से जब आते हुए इसमें से गुजरती हैं, तो पहले स्टेप में ये O3 से टूटकर O2 और O बन जाता है। ठीक है जी, ऊपर जब ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, लेकिन नीचे आते 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 क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है O और O2 की, तो फिर क्या होता है, दोबारा से O और O2 फिर से मिलते हैं, फिर से O3 बन जाती है। पहले स्टेप में ये टूटते हैं, लेकिन नीचे को आते हुए ये दोबारा से ओजोन बन जाती है। ओजोन का टूटना, ओजोन का बनना, ये सारा कुछ किस में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और ओजोन का काम क्या है, ओजोन का काम है यूवी रेडिएशंस को रोकना, ज़मीन पे ना आने देना, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, स्किन कैंसर और आंखों की बीमारियां और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये काम स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है, उसमें ओजोन हमें सेव कर रही होती है, और ट्रोपोस्फीयर के अंदर वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेम्परेचर को जो है मेंटेन रख रही होती है। अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये सीन देखें कि टेम्परेचर का क्या होता है, तो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं हम, 12 से 50 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं, ये था 0 से 12 किलोमीटर तक। अब ये वाला हमारे पास है 12 से 50 किलोमीटर। अब जब मैं ऊपर को जा रहा हूँ, तो ऊपर को जाते हुए क्या होता है, फिर से हमारे पास ओजोन की जो है वो मकदार कम से कम होती चली जाती है। ये ट्रैपिंग जो है ओजोन की यूवी रेडिएशंस को रोकने की, ये ऊपर को जाते हुए कम से कम होती चली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है जी, हमारे पास टेम्परेचर जो है -53 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए यहाँ पर हमने 17 डिग्री सेल्सियस से -53 डिग्री सेल्सियस तक गए थे, कम हुआ था, यहाँ पर -53 से 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ है जी, इंक्रीज हुआ है। नीचे से ऊपर को जाते हुए टेम्परेचर क्या होता जाता है जी, इंक्रीज होता चला जाता है। तो आज हमने सीखा है वो क्या है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने सीखी है, उसके बाद उसकी कंपोजिशन सीखी है कि उसमें क्या क्या
मौजूद है, कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, पहले भी आपको इसके बारे में पता होगा। उसके बाद हमने इसकी लेयर्स के बारे में सीखा कि कौन सी मेजर लेयर्स हैं, उनकी रेंज क्या है, ट्रोपोस्फियर किस तरह टेम्परेचर मेंटेन रखता है और कैसे ऊपर को जाते हुए टेम्परेचर में कमी आती चली जाती है, और लास्ट पे स्ट्रेटोस्फीयर जो है हमारे पास, उसमें कौन सी गैस है जो हमें यूवी रेडिएशन से महफूज कर रही है और टेम्परेचर जो है उसमें किस तरह नीचे से ऊपर को जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा पहला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।